हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार को स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य एकेडमी द इंजीनियर्स अड्डा में। आज हम समझने वाले हैं वैद्युतिक, जो आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होता है, वायरमैन, इससे रिलेटेड सुरक्षा सावधानियां, जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, है ना। इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ पर हमको ये क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, उन सभी को हम समझते हैं। चलिए तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो देखते हैं। आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन करना है, जिसपे गूगल पर सर्च करना है आपको लक्ष्य एकेडमी 51.com। क्या सर्च करना है, जैसे यहाँ पर वेबसाइट आ चुकी है, नीचे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, लक्ष्य एकेडमी 51.com पर आप सर्च करेंगे तो आपको जो पहली वेबसाइट ओपन होगी उसको ओपन करना है, ठीक है। जो पहली वेबसाइट आपको दिखेगी उसको ओपन करना है, पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे आप, स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, LAKSHAACADEMY 51.com ये सर्च करेंगे। पहले ही जो वेबसाइट ओपन होगी आप उसको ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट का इंटरफेस ओपन होता है। आप देखेंगे नेट स्लो होने की वजह से कुछ थोड़ा स्लो हो सकता है, बाकी आपको वेबसाइट में कोई अगर दिक्कत लगती है, कोई गलती होती है वेबसाइट पर, अगर कुछ गलती पाई जाती है आपको दिखती है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे हमें, या फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म में आप फॉर्म फिल करके आप हमें बताएंगे, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट से है ना, यहाँ पर कोर्सेज दिख रहे हैं, आप इनमें इनरोल कर सकते हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं हमारे। चलिए इसके बाद यहाँ पर कुछ टेस्टिमोनियल्स डले हुए हैं, उनको देख सकते हैं। यदि कोई आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये कांटेक्ट फॉर्म दिया हुआ है, आप इस कांटेक्ट फॉर्म को फिल करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कहाँ पर हमको एमसीक्यू कैसे मिलेंगे। तो आपको जाना है होम पेज पर, यहाँ पर दिख रहा है आपको एमसीक्यू सेक्शन। क्या दिख रहा है, एमसीक्यू सेक्शन, अलग अलग सब्जेक्ट के, आपको सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। अभी जो वेबसाइट है इस पर कुछ कुछ सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक के क्वेश्चन डल चुके हैं, जैसे सामान्य विज्ञान में, फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन डल चुके हैं अलग अलग टॉपिक के, इलेक्ट्रिशियन के यहाँ पर बने हुए सारे टॉपिक्स बन चुके हैं लगभग, बस क्वेश्चन डलना बाकी है, तो वो डल रहा है, काम चल रहा है वेबसाइट पर। जैसे अभी हम ये जो टॉपिक अलग अलग यहाँ पर दिख जाएंगे इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, और भी यहाँ पर टॉपिक एड होंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, है ना। इस टॉपिक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एमसीक्यू का जो आपका टेस्ट है वो ओपन होगा। यदि आपको जो सारे प्रश्न है उनको बनाने में, क्विज को बनाने में बहुत ही सावधानी रखी गई है, यदि फिर भी कोई मिस्टेक आपको पाई जाती है, मिलती है, तो यहाँ पर दिए गए नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है उस पर संपर्क करके हमें बता सकते हैं, या फिर इस ईमेल आईडी पर जो कि यहाँ पर लिखी हुई है info@lakshyaacademy51.com पर आप हमें मेल करके अवगत करा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों द्वारा लगी आग को किस प्रकार की अग्निशामक यंत्र से बुझाया जाता है। आपको बताना है विद्युत द्वारा आग लगी है उसको किस यंत्र के द्वारा बुझाया जाता है। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई भी फीस नहीं है, और ये भविष्य में भी फ्री रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी हम कुछ शुरू में फ्री दे देंगे फिर उसके बाद पेड कर देंगे। यहाँ पर वेबसाइट पर जो भी आपको कंटेंट मिलेगा ये हमेशा फ्री रहेगा, हमेशा फ्री रहेगा। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इसके विकल्प दिए हुए हैं जलयुक्त यंत्र का, झाग पैदा करने वाले यंत्र का, CCL4 का, पानी की फुहार का। तो आपको पता है विद्युत से लगी आग जो होती है उसमें हम जल का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। विद्युत से लगी आग में हम जल का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। दूसरा झाग पैदा करने वाला, इसमें भी जल होगा। तीसरा है CCL4 और चौथा पानी की फुहार, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा थर्ड नंबर का, है ना, CCL4 वाला अग्निशामक यंत्र का हम प्रयोग इसमें करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करना है कि जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में, जैसे आप देते हो एग्जाम तो वहां पर आपको आंसर नहीं पता चलता, यहाँ पर आपको टेस्ट तुरंत आपका आंसर पता चल जाएगा कि आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो अगर आपका सही आंसर होगा तो ये पूरा ग्रीन आपका बॉक्स बनकर आ जाएगा, अगर गलत होगा तो रेड बॉक्स बनकर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका विद्युतिक मशीनों, ठीक है, क्या है, विद्युतिक मशीनों की आग पर प्रयोग न करें, क्या प्रयोग नहीं करना है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और फिर ही इसका आंसर देंगे। तो लगभग ये दोनों क्वेश्चन सेम हो चुके हैं हमारे, है ना। तो इसमें हम जल का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी CTC क्या होता है आपको इसका फुल फॉर्म बताना है,
रेत का प्रयोग हम कर सकते हैं और हेलान टाइप के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम इस पे कर सकते हैं, CO2 वाले जो होते हैं है ना, CCL4 वाले, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, पर जल का प्रयोग नहीं करना है। जल का प्रयोग क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें हो सकता है इलेक्ट्रोक्यूशन। क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, इसलिए इसमें हम प्रयोग जल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रदर्शित सुरक्षा चिन्ह कौन से प्रकार का है? ठीक है, आपको जो चिन्ह दिख रहा है वो कौन से प्रकार का है? तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसका आपको आंसर बताना है। चार विकल्प दिए हैं, सकारात्मक, सचेतक, निषेधात्मक और सूचनात्मक। ठीक है, ये जो साइन दिख रहा है आपको इस बॉक्स में बना हुआ है, इसके बारे में बताना है, ये किस चीज को प्रदर्शित करता है ना, कौन से प्रकार के चिन्ह? आपको पता है चार प्रकार के चिन्ह होते हैं, सकारात्मक, सचेतक, निषेधात्मक और सूचनात्मक। मैं आपको इनके नाम बता देता हूं। ठीक है, सकारात्मक का मतलब होता है ठीक इंफॉर्मेशनल साइन, सचेतक ठीक है जिसको हम वार्निंग साइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं वार्निंग साइन है ना, जो हमको क्या करते हैं, वार्निंग देते हैं कुछ किसी भी चीज की, सचेत करते हैं ना, इसको बोलते हैं आप इंफॉर्मेशनल साइन। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशनल साइन बोलते हैं। तीसरा है आपका, इसको बोलते हैं आप प्रोहिबिटेड, ठीक है इसको बोलते हैं आप प्रोहिबिटेड। और चौथा आपका ठीक है, सॉरी ये वाला होगा इंफॉर्मेशनल है ना। चलिए इसका सही आंसर बताएंगे आप क्या होगा, आपको पता है तो है ना, ये जो निशान है आपको निषेध करता है। जैसे यहां पर क्या दिखा रहा है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड बता रहा है। क्या बता रहा है? स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड मतलब यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना है, मतलब ये क्या कर रहा है, निषेध कर रहा है, किसी चीज को रोकने का कार्य करता है। तो कौन सा करता है आपका? निषेधात्मक चिन्ह करता है ना। चलिए देखिए ये क्या बता रहा है, आपका सही आंसर है निषेधात्मक चिन्ह होगा इसका है ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कार्यशाला में कार्य करते समय दुर्घटना होने के क्या कारण हो सकते हैं? बताइए, कार्यशाला में मतलब वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं, उसमें क्या कारण हो सकते हैं कि जिससे दुर्घटना हो सकती है? औजारों का उचित प्रयोग न करना, सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान न होना, खतरे के प्रति सजग होना। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ेंगे है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, खतरे के प्रति सजग होना ना, और दूसरा है आपका सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान न होना और औजारों का उचित प्रयोग न करना। तो आपका पहला और दूसरा आंसर क्या है, सही है। क्या है? पहला और दूसरा आपका सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा, उपरोक्त एक व दो दोनों, मतलब पहला और दूसरा दोनों इसका सही आंसर होंगे है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदर्शित चिन्ह है ठीक है, ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है ये किसका चिन्ह है आपको बताना है। ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा इसके बारे में, थ्योरी पढ़ी हुई होगी, यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस में है। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप से, या फिर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं, luxacademy51.com। ठीक है, चलिए प्रदर्शित आपने देख लिया कैसा है चिन्ह, ये किस चीज को प्रदर्शित करता है, तो ये आपका दिखा रहा है फर्स्ट एड बॉक्स को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? फर्स्ट एड बॉक्स या फर्स्ट एड स्टेशन को दिखा रहा है। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स को दिखा रहा है, तो ये चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है? आपको सूचना दे रहा है कोई सी है ना, या फिर अनिवार्य काम को प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है चार विकल्प हैं, सूचनात्मक चिन्ह। अच्छा डिस्प्ले आगे नहीं बढ़ रही है ना स्क्रीन, एक सेकेंड।